दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन। और आज मैं नैनाड़ा में हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा मार्केट और सुना सुना सा लग रहा है क्योंकि दिन का टाइम है और मौसम में भी चेंजेस आ चुका है पहाड़ों में। दिन में थोड़ा गर्मी लेकिन यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है और मेरे पीछे आवाज सुन रहे होंगे आप, मुर्गे की आवाज सुन रहे होंगे। पहाड़ों की आवाज हमेशा से स्वरोजगार कर रहे जो युवा लोग उनके लिए जो भी हो सकता है करने के लिए तैयार रहता है। अगर माने मार्केट की बात करें वहाँ पे तो उनसे जो भी हेल्प हो सकता है वाइजो माउंटेन की तरफ से वो करते हैं। वहाँ पे इसी बेस पे हम लोग पहुंचे नैनाड़ा में और यहाँ पे मैंने जब देखा तो यहाँ पे एक तो कड़कनाथ जो कभी आपने सुना होगा, कड़कनाथ जो कि महाराष्ट्र की प्रजाति मानी जाती है, वो आज आपको पहाड़ों में मिल रहा है। नंबर दो बनराजा, जिसमें कम से कम एक मुर्गे में 3-3.5 किलो मीट निकलता है और उसके बाद गोल्डन। और ये जो वैरायटियां हैं ये आपको नए डांडा मार्केट में अवेलेबल है और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। चले मेरे साथ और उस सबसे मिलाएंगे जिन्होंने यहाँ पे दुकान खोली हुई है इस चीज की और यहाँ पे लोगों के लिए सुविधा यहाँ पे भरपूर मात्रा में नैनाड़ा में। और ये सामने आप देख रहे होंगे ये कड़कनाथ है और इसमें ये भी कहते हैं बीमारियां जो जैसे अगर कैसे घुटनों में दर्द होता है, ब्लड कैंसर होता है और शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक रामबाण इलाज है। ज्यादातर ये जो खाते हैं बॉडी बिल्डर जो होते हैं जो मॉडलिंग करते हैं उनके लिए ये रामबाण इलाज, पहाड़ों में तो नहीं लेकिन शहरों में काफी लोग खाते हैं इस चीज को, मेडिसिन का काम करता है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे गोल्डन है, ये भी पहाड़ों में पल के तैयार हुआ है। ये बाहर की नहीं है, पहाड़ों में ही है क्योंकि स्वरोजगार के नाम पे लगातार सरकार कई योजना लाती है लेकिन मार्केट से बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मार्केट फेस करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पे लगातार प्लान हो रहा है क्योंकि मार्केट नहीं है। इसीलिए हम पहुंचे नैनाड़ा में तो हम देखा हमने ये सामने गोल्डन है, ये मुर्गे हैं सारे तो इसमें भी इसका जो मीट है खाने में टेस्ट उसके बारे में पूछेंगे। अभी कड़कनाथ का मैंने 2-3 बार खा भी लिया है तो इसका जो टेस्ट है इसका अलग ही फ्लेवर है। और बात करें अगर पहाड़ों में सुविधाओं की तो यहाँ पे जो बंदा है उससे हम बात कराएंगे। सबसे नीचे है बनराजा, ये सामने आप देख रहे होंगे बनराजा है ये, इसके लिए हाइट काफी अच्छी खासी होती है इसकी और मीट में भी इसका जो फ्लेवर है मीट का टेस्ट है वो कुछ अलग ही है। खाने में एक बार खाओगे तो बार बार यहाँ पे पहुंचोगे। ये यार बात करेंगे यहाँ पे आप तेजू भाई से क्योंकि वो खड़ेत के रहने वाले हैं और उन्होंने यहाँ पे दुकान शुरू कर दी है। तो आपके लिए यहाँ पे दोस्तों कहीं भी आप हो तो आपको नंबर में डिस्प्ले में शेयर कर दूंगा, डायरेक्ट बात कर सकते हो। बल्क में कितना डिमांड चाहिए आपको वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले। साहब एक दो यहाँ पे सैंपल के रूप में रखे गए हैं, इनका पूरा अपना एक फॉर्म है। इस चीज का फॉर्म में चाहे कड़कनाथ की बात करें, चाहे हम गोल्डन की बात करें, चाहे हम बनराजा की बात करें, इनका पूरा अपना एक फॉर्म है घर पे, यहाँ पे सैंपल के रखे हुए हैं और दे भी रहे हैं। सुबह से 2-3 यहाँ पे बिक भी चुके हैं तो कोई किसी को अगर चाहिए तो प्लीज आप संपर्क करें, नंबर मैं आपको डिस्प्ले में दे दूंगा। तब तक बात करेंगे हम तेजू भाई से। तेजू भाई आपको सबसे पहले स्वागत आपका वाइजो माउंटेन पे। आपको ये कैसे सूझा कि आपको यहाँ पे ये दुकान खोलनी चाहिए? तो आपको पता है कि मार्केट बड़ा चैलेंजिंग है ये काम क्योंकि मार्केट यहाँ पे है नहीं है लेकिन शौकीन लोग हैं, मिल नहीं रहा। आप शायद अगर जानेंगे लोग इसके बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे तो वो जरूर लेंगे। तो कैसा आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे खोलना चाहिए? रोजगार तो कुछ ना कुछ घर गाँव में है क्या, गाँव में ना तो ठीक है ना कुछ है, इसलिए हमने सोचा कि यार कुछ ना कुछ अलग सा काम किया जाए है ना, इसी के चक्कर हमने कहा कि अपना फार्म बनाया जाए, अपना फार्म काम किया जाए। इसलिए मैंने वैरायटी भी चारों वैरायटी डाल रखी है, इसमें कड़कनाथ है, ये आपका गोल्डन है, बनराजा है, आपको इसलिए आप सारी चीजें मतलब यहाँ पे मिल रही हैं लोगों को सुविधा के लिए आपने रखी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे मार्केट की आती है जो भाई, क्योंकि मार्केट का यहाँ पे इतना स्कोप है नहीं पहाड़ों में है ना, क्योंकि लोग भी कम हो चुके हैं, प्लान लगातार हो रहा है, सरकारी योजना तो दे रही है। अगर आपको बोल दे मुर्गी फार्म खोल लो आप खोल लोगे लेकिन क्या है उसका मार्केट कहाँ सप्लाई करोगे है ना, ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम है, आपने सही कहा कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट की थोड़ा इसमें हम लोग को झेलना पड़ता है। लेकिन अब बात करें कीमत की तो कीमत तो अगर बल्क में कोई लेना चाहता तो उसका अलग ही अमाउंट होगा है ना, चाहे वो गोल्डन हो, चाहे बनराजा हो, चाहे वो कड़कनाथ हो।
है ना। अभी फिलहाल आप जो मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की जो प्रजाति है कड़कनाथ शायद 1200 या 1400 रुपए किलो बिकता है, और अंडा शायद 35 से 40 रुपए के बीच में पड़ता है इसका, है ना। तो यहाँ पे तो इतना महंगा कोई लेने वाला मुझे लगता है बहुत कम मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे इतना महंगा खाने वाले, ठीक है ना। ये सब जब मार्केट में चीज आएगी जब लोगों को पता लगेगा, नहीं नहीं धीरे धीरे करके माल डाला है तो पता लगेगा कि भाई ये चीज क्या है, पूछेंगे तब इसी बारे में तो आदत उनका मुंह का टेस्ट अब चेंज होगा तो अपने आप ही लोग भागे चले आएंगे। और इसके बारे में अगर जानेंगे बेनिफिट क्या क्या चीजें इन इन मुर्गों में, ब्रॉयलर से मुझे लगता है इनमें काफी बेनिफिट मात्रा में पाया जाता है, इसमें शायद मुझे लगता है इन मुर्गों में ब्रॉयलर से मुझे लगता है इनमें काफी बेनिफिट मात्रा में पाया जाता है, इसमें शायद मुझे लगता है फेट की मात्रा बहुत कम पाया जाता है ना। अभी कितना आपके पास अभी स्टॉक कितना है इनका, अभी अगर देखा जाए सभी वैरायटी के अलग अलग वैरायटी इस टाइम है 400-500 के आसपास। अच्छा, तो कोई परेशानी वगैरह नहीं आती है वहाँ पालने में? हाँ तो दिक्कत तो है ही, दिक्कत की नहीं है, लेकिन फिर भी है कि जब अब लोग मांग मंगाए रहे प्लेन से तो मंगा रहे माल, तो जब हमने यही गाँव में पाल रखा है तो अगर मैं यही माल अगर यही मैं रामनगर से लाता हूँ, ये कड़कनाथ की अगर बात करूँ मैं, कि मैं अलग डिफरेंट लगा कड़कनाथ, इसकी पहचान ही मैंने सुना ये है कि नाखूनों से लेकर और ऊपर इसकी जो ऊपर जगरी है वहां तक पूरा काला ही होता है, मीट भी सब काला ही होता है, हड्डी काली है, हड्डी भी काली इसकी। तो ये अगर हम रामनगर से लेना चाह रहे हैं तो हमें कितने का पड़ेगा लगभग? ये रामनगर में सर ये पड़ेगा आपको 1500-2000 का करेगा, 1500-2000 के बीच में आपको कड़कनाथ पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है 1000 रुपए के आसपास दे रहे हो, 1000 में दे रहे हो किराया लगा के, और उसके बाद 1500 रुपए अगर वहां से पड़ता है, मिनिमम लेके चले 1500 रुपए पड़ता है, और किराया लगाना अपना 500 जाना 500 आना, तो कम से कम 2500 रुपए का पड़ जाएगा ये कड़कनाथ जो यहाँ पे 1000 रुपए में अवेलेबल इजिली है। तो ये यहाँ पे आज पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नैनाणा ब्लॉक में, इस समय मार्केट में हूँ और यहाँ पे लोगों से ही बात करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ये चीजें रखी गई हैं, तो कितना आप यहाँ पे इसका सेवन करना चाह रहे हो और कितने लोगों को पता है कड़कनाथ के बारे में भी जानने की। तो मेरे साथ है यहाँ पे ताऊ जी जिनकी यहाँ पे दुकान है, चाय की भी है और काफी आइटम भी रखे हुए हैं, जैसे अंडे हो गए केले हो गए, तो उनसे बात करते हैं। काफी समय भी हो गया इनको मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ, काफी टाइम से इनकी दुकान है अपनी, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे अगर किसी युवा ने यहाँ पे काम खोला हुआ है तो कहाँ तक चलने वाला है, और बात करें कड़कनाथ की, तो पहले अंकल जी आपका शुभ नाम क्या है? वीर सिंह। अच्छा वीर जी, क्या लगता है आपको पहाड़ों में युवा जो काम कर रहे हैं रोजगार कर रहे हैं उनमें कितना बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे फेस करना पड़ रहा होगा उनको? बहुत मुश्किल काम है उनके लिए, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम तो ही नहीं ना। हाँ काम तो ही नहीं, युवा करेंगे तो करेंगे क्या। युवा अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ तेजू भाई ने यहाँ पे जो मुर्गे यहाँ पे कड़कनाथ हो गए, गोल्डन हो गया, बन राजा हो गया, है ना, इस तरह से रखे हुए हैं जी सर। तो कड़कनाथ के बारे में यहाँ पे लोगों को पता है इतना, मुझे लगता है नहीं सर, इसके बारे में पता नहीं ज्यादा, ज्यादा पता नहीं होगा, नहीं पता। अच्छा अच्छा, कड़कनाथ और ये जो ये सब घरेलू है, हाँ नहीं पता इनको, घरेलू चीज अलग होती है, उनका टेस्ट अलग होता है। ये जो 30 दिन में बाजार की मुर्गियां होती ना, उनका टेस्ट वो आलू खाना वो मुर्गी खाना बराबर है जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बीजी ने सही कहा कि आलू खाना या वो गोल्ड मुर्गी खाना जो 10 दिन में 30 दिन में जो बड़े होते हैं वो खाना बराबर है। ठीक है, मार्केट में जरा पता करते हैं लोगों से ही कड़कनाथ के बारे में, उनको पता है कि नहीं। देख रहा हूँ कि पहली बार यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है इसका क्या बेनिफिट है और कहाँ की प्रजाति है। चलो पढ़ा छोड़ो कहीं की भी हो, लेकिन सब बेनिफिट क्या है इसके बारे में पता नहीं था। कितना सफल है यहाँ पे बिकने के लिए ये चीजें, कड़कनाथ हो गया आपका, बनराजा हो गया आपका, जो कि घरेलू जो हमारी जो उत्पादन है उसी के थ्रू ये पैदा हो रहे हैं, बन भी रहे हैं खाने लायक। अभी तो इसके संबंध में ऐसा है ना, ये कह रहे हैं 1000 रुपए किलो का है वो कड़कनाथ मुर्गा, तो लोगों को ये डर लग रहा है कि 1000 रुपए का क्या है और कैसा है, जबकि मुर्गा जो है 200 रुपए 190 रुपए के करीब मिलता है, व्हाइट जो है जो मिलता है ये, तो इसमें लोगों को अभी ये देखना है कि 1000 रुपए का ये किलो का है ये कड़कनाथ मुर्गा, इससे क्या बेनिफिट और क्या खूबी इसमें है जो कि शरीर का कौन सा काम इससे ही करेगा। बिल्कुल अमित सही कहा, जब जानकारी ना हो तो इसके बारे में थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे खरीदना भी, क्योंकि होता है कोई चीज अगर एकदम से अगर माना 250 रुपए की चीज आपको वही मुर्गा उसके बाद दूसरा ब्लैक मुर्गा आपको 1000 रुपए मिल जाए तो थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन उठने लाजमी है। बिल्कुल आपने सही कहा अंकल जी,
तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे ये आएगी कि कड़कनाथ बेचना थोड़ा टफ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में जानकारी ना होना, नई चीज बात करता है नई चीज। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।